हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिश किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं केक। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन लेंगे। केक टिन को हम तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बटर पेपर को केक टिन के साइज से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल। ऑयल लगाकर अब हमने इसे रेडी करके साइड में रख दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इस पर हम रख देंगे रोटी बनाने वाला तवा और हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई के हम अंदर हम रख देंगे एक कटोरी और उसे ढक के 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने ये लिया है केक प्रीमिक्स। केक प्रीमिक्स की रेसिपी मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है कि केक प्रीमिक्स कैसे रेडी किया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून ऑयल और ये मैंने ले लिया है चॉकलेट एसेंस मैंने लिया है, क्योंकि चॉकलेट केक हम बना रहे हैं। ये मैंने डाल दिया इसमें 1/2 कप दूध। दूध डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, ऊपर से जब मैं इसे डाल रही हूँ तो इसमें इस तरीके से लम्स बन रहे हैं। इस तरह का बैटर आपको रेडी करना है। अब हम इस बैटर को, हमने जो केक टिन तैयार किया था उस केक टिन में हम इसे डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरा बैटर मैं केक टिन में अवॉइड कर लूँगी और इस तरीके से हम इसे टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है वो इसमें से निकल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे टैप कर लेंगे। उसके बाद हमारी कढ़ाई 10 मिनट के लिए प्रीहीट हो गई है। कढ़ाई के अंदर हम इसे रखकर 20 मिनट के लिए मैंने इसे बेक होने दिया है। ये देखिए, हम इस पर टूथपिक डालकर देख रहे हैं, बिल्कुल टूथपिक हमारा साफ आया है, यानी कि केक बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हमारे केक को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद सबसे पहले मैंने इसकी साइडों में चाकू लगाकर इसकी साइडों से इसे निकाल लिया है। उसके बाद 20 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडा होने दिया है। ये देखिए, इस तरीके से वाओ, कितना परफेक्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल भी ना तो नीचे से चिपका है ना जला है, बिल्कुल परफेक्ट केक। ये देखिए, अब हम इसका बटर पेपर जो हमने लगाया था वो हम इस पे से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा बटर पेपर मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बनकर रेडी किया हुआ है। आप इसे बिना चॉकलेट डेकोरेट किए भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चाकू से इसमें कटिंग के निशान लगा दिए और मैंने लिया है एक गिट्टी वाला धागा। गिट्टी वाले धागे से मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसे चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैं अंदर से भी इसमें चॉकलेट का फ्लेवर देना चाहती हूँ। इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में इसे मैं डिवाइड कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गिट्टी से आप इसे कट कर लीजिए। फटाफट से पूरा अच्छे से केक हमारा निकल जाएगा। ये देखिए, 2 पार्ट्स में मैंने इसे अच्छे से डिवाइड कर लिया है। अब ये मैंने लिया है थोड़ा सा शुगर सिरप। शुगर सिरप हम इसके ऊपर सबसे पहले लगा लेंगे। शुगर सिरप लगाने से इसका टेस्ट फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, शुगर सिरप लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है। डार्क चॉकलेट हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर आप डार्क चॉकलेट की जगह व्हिप्ड क्रीम अगर से आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो व्हिप्ड क्रीम से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल चॉकलेट केक ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चॉकलेट का ही यूज किया है। तो इस तरीके से चॉकलेट केक को कैसे बनाते हैं, ये पूरी रेसिपी आप अच्छे से देखिए। आपको पूरा केक बहुत ही अच्छे परफेक्ट तरीके से मैं सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप केक बनाओगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आपका केक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और बहुत परफेक्ट केक। ये देखिए, दूसरी लेयर भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। वापस से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी शुगर सिरप, और शुगर सिरप लगाने के बाद हम इसके ऊपर वापस से लगा देंगे जो हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है, वो डार्क चॉकलेट हम इसके ऊपर लगा देंगे। डार्क चॉकलेट को मेल्ट कैसे करते हैं वो वाली रेसिपी मैं आपके लिए जल्दी शेयर करूंगी फ्रेंड्स। उससे आपको डार्क चॉकलेट को मेल्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप केक बनाकर कोई भी बर्थडे पे, पार्टी में, एनिवर्सरी पर आप इसे घर पर केक बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे केक पर हम अच्छे से
डार्क चॉकलेट को हम अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। ऊपर से ये देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर डिजाइन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर डिजाइन दे रही हूँ। ऊपर से भी इसके ऊपर अच्छे से डिजाइन सेट हो गई है। जब ये केक मैंने बनाया तो मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जेली भी मैंने खुद घर पर ही बनाकर रेडी की है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे मैं साइड में डिज़ाइन और नेम, मैंने बर्थडे के लिए केक बनाया तो मैंने इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे घर पर इस जेली से लिखा हुआ है। इस तरीके से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। आप अपनी पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।